हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशो के जो नॉनवेज प्रोडक्ट होते हैं, मीट्स हो गया, चिकन हो गया, फिशेस के बारे में। पर मैं इन पर्टिकुलर चिकन के बारे में बात करना चाहूँगा। फ्रेशो है बिग बास्केट का ब्रांड, जो इनका इन हाउस ब्रांड है, अपना ब्रांड है, जिसमें इनकी वेजिटेबल्स आती हैं, चिकन मीट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें बेकरी इंटायर केक्स से लेकर, कुलचा से लेकर, ब्रेड से लेकर, बन से लेकर, रस से लेकर, कुकीज से लेकर, ये फ्रेशो के अंडर आते हैं। प्लस इनकी वेजिटेबल्स भी फ्रेश सप्लाई होती हैं। इनके जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इनके होते हैं वेजिटेबल्स में, एज वेल एज चिकन में, नॉनवेज प्रोडक्ट्स में। और उसी के अंदर मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर जैसे आपको पता है लिशियस के, फ्रेश टू होम्स, रिपब्लिक ऑफ चिकन, मीटीगो, ओ डेली वाले ऐप्स का चिकन का रिव्यू किया हुआ है। तो उसी इन लाइन में मैं फ्रेशो के मीट प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि बिग बास्केट का इन हाउस ब्रांड है, जब आपको अभी पता होगा कि बिग बास्केट को टाटा ने टेक ओवर कर लिया है, तो उनका इन हाउस ब्रांड है फ्रेशो। तो उसके चिकन जो मैंने आज मंगवाया है, मैंने 2 kg चिकन मंगवाया है, ये एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स ये रहा। और ये सब मैं इसके बारे में रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसा है चिकन इनका और कैसा दिखता है इसका। बेसिकली ये जो अपने चिकन सोर्स करते हैं, ये डायरेक्टली फार्म से करते हैं, कोई बीच में से किसी मंडी वंडी में जाके नहीं करते। इनके अपने बाइंग हाउसेस होते हैं, जो फार्म हाउसेस जो चिकन नॉनवेज प्रोडक्ट्स, मीट हो गया, फिश हो गया, सी फूड्स हो गया, सॉसेज, सलामीज, और इनके ऐप पर अदर कंपनीज के भी मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट इनका फ्रेशो जो है वो अपना ब्रांड है। तो ये सॉसेज, सलामी, मोमोज हो गए, प्रसुमा के मोमोज हो गए, और कंपनीज के मोमोज हो गए, वाओ मोमोज हो गए, वो भी इनके वेज नॉन वेज सब मिलते हैं इनके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिखा हुआ डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द फार्म, पर्सनली प्रोक्योर्ड एंड प्रोसेस्ड एंड डिलीवर्ड, टेंडर जूसी शाइनियर मीट, एंड टू एंड सेफ्टी मेंटेन्ड, FSSAI norms followed, stringent quality checks, antibiotic free, residue free इनके चिकन होते हैं। क्योंकि इसमें ये फर्क होता है कि अगर आप कई लोकली जो प्रोक्योर्ड चिकन होते हैं, जिसको हम ब्रॉयलर कहते हैं, उनको इंजेक्शन, दवाई के इंजेक्शन लगा के बड़ा किया जाता है, तो ये एंटीबायोटिक फ्री होते हैं, रेजिड्यू फ्री होते हैं, हार्मोन्स नहीं इनके चिकन्स के अंदर होते। हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन्स डाल के उनको, छोटे चिकन को बड़ा बना के बेचा जाता है बाजार में, और बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल क्वालिटी प्रोटेक्टेड होते हैं ये। और ये 1 kg का है, आप इनकी ऐप खोल के भी दे सकते हैं, वहाँ डिटेल लिखी हुई है। तो लिखा हुआ फ्रेशो चिकन करी कट, ये सारा कुछ, फिल्ड विद विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन, चिकन प्रमोट्स ब्रेन डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन योर बोन्स, एड्स वेट लॉस, बिल्ट मसल, हेल्प्स इन हेल्दी हार्ट, ये यहाँ लिखा हुआ। अगर आप इनकी ऐप खोल के डाउनलोड करके देखेंगे तो यहाँ सारा इनका मेंशन किया हुआ, साथ ही न्यूट्रिशनल फैक्ट भी इनके दे रखे हैं इसके अंदर। फॉर पर 100 ग्राम्स एनर्जी किलो कैलोरीज में 103 होती है, प्रोटीन्स होते 12 ग्राम्स और फैट होता है 4.6 ग्राम होता है। चलिए हम इसको खोल के देखते हैं कैसा है। ऐसे मैंने आपको बताया, जैसे दो डब्बा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। पहले तो ये प्लास्टिक की रैपिंग में आते थे, ये देखिए यहाँ भी, जब से टाटा ने टेक ओवर किया है इसको, तो इनका नेचुरली इम्प्रूवमेंट आई है बहुत ज़्यादा। ये देखिए इसके अंदर, यहाँ इसके ऊपर पूरा मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है, ये लिखा तो 538 का, मेरे को 229 पर केजी मिला है इसका, 229 रुपीस पर केजी मेरे को मिला है। और ये काफ़ी सस्ता है दूसरे ऐप्स के मुकाबले, अगर हम देखें तो काफ़ी सस्ता है, और काफ़ी बड़े बड़े पीस लग रहे हैं, खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बड़े बड़े पीस लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको दूसरा पैकेट भी दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ इनके जो ये जो लेबल दिया हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने वेट दे रखा है, कौन सी तारीख तक बेस्ट बिफोर कब तक है, दो आगे इसका रिटेल प्राइस तो ये ज़्यादा बढ़ा के लिखी हुई, मेरे को 229 पर केजी लिखा, और कहाँ से पैक होके आया है ये, जहाँ इनके, और हलाल सर्टिफाइड है, यहाँ लिखा हुआ हलाल सर्टिफाइड, ये हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है, और FSSAI लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़े बड़े पीस लग रहे हैं, और ये फ्रेश ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने तो इसको आते ही जैसे था कि फ्रीज़र में रख दिया था, रात को बनाने थे तो मैंने कहा फ्रीज़र में रख देते हैं इसको, तो थोड़ा सा जम गए हैं, जैसे जब आए थे तो बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट थे, पर ठंडा था ये, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर से निकाल के भेज दिया होता है, ठंडा था, जमा नहीं हुआ था। तो ये है इसका ये,
और मेरे को इनका बॉक्स भी बहुत अच्छा लगा, पहले ये प्लास्टिक बॉक्स में आता होता था। आप इसके बॉक्स के ऊपर भी देखें, ये सारा इसके ऊपर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई ऑपरेटिंग अक्रॉस। मैं वैसे सब लोग बिग बास्केट यूज़ करते होंगे, कि जब कोविड से रिलेटेड था तब हमने तो मोस्टली इसी से अपना राशन सब्जियां सब कुछ बिग बास्केट से मंगवाते थे, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी, चिकन मटन फिश प्रॉन्स सी फूड सारा इनके पास है। यहाँ देखिए ये भी दिखा हुआ, देखिए ये देखिए आप पूरा पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई क्या क्या है, और नीचे देख सकते हैं बिग बास्केट का ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ। और टाटा ने रिसेंटली बिग बास्केट को टेक ओवर कर लिया है, और -0 to 4 degrees में ये रखे जाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में उनके वहाँ। चलिए मैं आप इनको अब खोल के भी बताऊंगा और ऐप पर ओवरव्यू भी दे दूंगा बिग बास्केट की ऐप का कैसे है, और डिस्काउंट भी इनके चलते रहते हैं काफ़ी अच्छे। तो चलिए मैंने इनको बॉक्सेस से बाहर निकाल लिया है और एक परात में रख दिया है, तो इसको अब खोलना शुरू करता हूँ। देख सकते हैं अभी थोड़े थोड़े जमे लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने घर में आते ही फ्रीज़र में रख दिए थे ये, तो जम गए थे थोड़े। तो चलिए काटना शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये जो ऊपर लेबल दे रखा है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट, वेट, रेट और बेस्ट बिफोर जैसे मैंने बताया वो दे रखा है, और क्या कितने इंग्रेडिएंट्स है, कितना केजी वाइज है वो दे रखा है। काफ़ी बड़े पीस निकले हैं इसके अंदर से, ये देखिए बहुत बड़े बड़े पीस लग रहे हैं इसके अंदर। ये तो नॉर्मल करी कट जो आता है वो छोटे छोटे पीसीस का होता है इसके अंदर, नॉट इसके अंदर बट और जो कई जगह से आता है कई ऐप्स में ज़्यादा छोटे होते हैं, पर ये पीस काफ़ी देखने में बड़े लग रहे हैं। और ये दूसरा, ये थोड़ा सा जमा हुआ है और इसको खोलते हैं चलिए, और काफ़ी अच्छे मोटे मोटे पीस लग रहे हैं, मतलब जो सकुलेंट पीस हैं, तो खाने में मज़ा भी आने वाला है इसको, बाइट इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और देखिए ठंडा है अभी तो काफ़ी, कि बहुत ठंडा है अभी तो, और अच्छा लग रहा है देख के कि फ्रेश है, फ्रेश लग ही रहा है, क्योंकि जब आए थे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास ठंडे होके आए थे, फ्रोज़न नहीं थे, फ्रोज़न तो मैंने अपने घर में फ्रीज़र में रखे थे तभी हुआ। और हर पार्ट से इसके, ये देखिए लेग की पीस कितना बड़ा, हर बॉडी के पार्ट से इसका, चिकन की बॉडी के पार्ट से इसका पीस है, और बहुत बड़े बड़े काफ़ी जिसको कहते हैं ना कि मोटे मोटे से, काफ़ी तगड़ा मोरखा लगता है मेरे को ये, और काफ़ी अच्छा है देखने में, काफ़ी इम्प्रेसिव है ये। तो अभी इसको हम धोएंगे, धो के फिर करेंगे, धो के फिर बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे वो। अभी तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, आप ले सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, कईयों के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, कि वो कह रहे थे हमारे को स्टेल चिकन मिला, हमारे को ऐसा मिला, पर मेरे साथ कोई अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई स्टेल चिकन नहीं है, स्मेल कुछ नहीं आ रही इसके अंदर से, और फ्रेश ही लग रहा है मेरे को पीस, और कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही। क्योंकि आप अगर रिव्यूज़ पढ़ेंगे उसके अंदर बिग बास्केट के ऊपर, तो वो कहेंगे, उसमें कईयों ने लिखा हो कि स्टेल है, स्मेल आ रही है, और प्लस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने पैसे से खर्चा है ये सब, क्योंकि मैं हर एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ हर एक, फिर उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है और काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं इसको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।